आज ही जा करके लाइसेंस बनवाओगे? जी इंशाल्लाह जरूर, हम अपने अबू जी से बात करेंगे और लाइसेंस जरूर बनवाएंगे। तो अब्दुल कलाम आजाद से आप कितने से हैं? जी जी सर, सैयद अहमद साहब को जानते हैं? सर सैयद अहमद खान को हम जानते हैं। क्या ख्वाहिश रखते हो अलीगढ़ में पढ़ने की? जी हम उनकी तरह प्रोजेक्ट में पढ़ने की, और ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कि हम भी उनकी तरह का को बने और कुछ समाज के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, मेरे छोटे से ड्रीम है कि कब बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? देखिए मुझे अपना अपना ही एक हॉस्पिटल खोल हॉस्पिटल खोलोगे जी? मेरे जो कानों में लीड लगा करके जो घूमते हैं बच्चे सड़कों पर, प्लेटफार्मों पर और ड्राइविंग करते हैं, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? उनके बारे जी मेरा तो मानना ये है, मैं दूसरों को नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं भी कभी कभी बाइक लेकर निकलता हूँ तो कानों में लीड वगैरह लगा लेता हूँ। आज से वादा करो कि नहीं लगाओगे? मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ, मुझसे वादा मत करो, समाज से वादा करो। आप सभी देशवासी से मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं रोड पर निकलूंगा तो लीड कान में कभी नहीं लगाऊंगा, और क्या खासकर अगर निकलूंगा भी तो क्या सेफ्टी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखूंगा। और कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है आपको? पेड़ लगाने अच्छे लगते हैं? जी हाँ, हमारे पेड़ लगाने काफ़ी मुझे इतना पसंद है, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। हमारे क्या घर के ऊपर एक मंजिला मकान है, वहाँ मेरी मम्मी ने छोटी सी क्या प्लांट बना रखा है। अच्छा, जैसा होता है। अच्छा ये बताओ आप कौन सी क्लास में आ गए? जी हम 11th क्लास में। 11th क्लास में आ गए। जो बच्चे जो होते हैं घर जा करके होमवर्क जो काम मिला होता है उसमें जो है वो करना होता है तो बताते नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा होता है, घर जाती है बस बैग उतारती, अब तो हम पढ़ आए हैं, कुछ करके आ गए हैं, कुछ बनी आए हैं, तो घर जाते से पहले बैग फेंकना होता है। बैग फेंक या फिर कॉपी किताब तरफ ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि मोबाइल सामने रखा दिखा, तो नेट खोलते मैसेज वगैरह आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम उसमें लग जाता है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा बच्चा आता है जी, उसका टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है जी, जैसे क्लास में एग्ज़ाम हो जाते हैं जी, पहले तो सेमेस्टर में हुआ करते थे, एग्ज़ाम हुआ उसके नंबर कम आ गए तो वो मम्मा और पापा से बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आज मेरे नंबर कम आए और मैं मम्मा और पापा को बता दूँ, वो स्कूल से पता लगता है, तो कुछ कहना चाहोगे इस विषय में? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को वैसे ज़्यादातर मेरी वैसे नहीं है, मेरी भी काफ़ी ख़राब मार्क्स आए, मैंने घर वालों को नहीं बताया लेकिन घर पर पता लग ही जाता था। मम्मी जैसे कभी लंच वगैरह चेक करती थी, बस वगैरह दूध में टेस्ट में निकल जाते, पता चली जाता था, फिर धीरे धीरे पता चला कि छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पता फील पर चलना है। तो मेरा कहना यह है कि घर पर बता दिया जाए, भले ही डांट फटकार सुनने को मिलेगी लेकिन जो भी है सुन लो। ये जो लैपटॉप बांटे थे अखिलेश जी ने, जी जी कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? जी इनग्राम इंटर कॉलेज गाजियाबाद। तो ये जो लैपटॉप बांटे थे अखिलेश जी ने, तो इससे बच्चों में कोई उनकी तरफ मोहब्बत पैदा हुई? ये लैपटॉप जो बांटे थे बच्चों ने उनकी काफ़ी मेहनत का फल था, जो कहा बच्चे ने 11वीं 12वीं में अच्छा परफॉर्म किया था, इनके परसेंटेज काफ़ी अच्छे थे, तो अखिलेश जी ने उनको लैपटॉप बांटे थे। क्या योगी जी कुछ काम कर रहे हैं बच्चों के लिए? देखिए योगी जी भी क्या आने वाला टाइम, योगी जी के बारे में इतनी खास राय नहीं है, लेकिन 10वीं के जो छात्र हैं इस बार काफ़ी क्या को बच्चों ने पेपर नहीं दिए हैं, लगभग 1.25 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिए। अच्छा ये बताओ आप सुबह पढ़ाई जो करते हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है जो रात जो करते हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है? याद जल्दी याद जो होता है सुबह को याद होता है या रात को याद होता है? देखिए रात को ऐसा क्या होता है कि हमारा जो पूरा दिन होता है सारे दिन की थकावट की वजह से, थकार की वजह से घूमे फिरे, फिर रात में बैठ गए, तो इस वजह से सुबह का पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि सुबह माइंड एकदम फ्रेश रहता है, सुबह सुबह नया दिन खुला होता है, आराम से उठिए नमाज़ पढ़िए, वजू बनाया और आपको नमाज़ के लिए बैठने के बाद आप आधे घंटे में अगर बैठने पड़ जाओगे तो बहुत अच्छा याद होगा पूरे दिन के साथ। आप छोटे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? छोटे बच्चों को क्या नाम है आपका? नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद सुनील सैफी है और मैं छोटे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि मेरी भी एक छोटी बहन है, वो आलिमा का कोर्स कर रही है, उन्होंने कुरान शरीफ पूरा पढ़ लिया है और वो हाफ़िज़ा भी करेगी, आलिमा का भी कोर्स भी कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दुनिया की पढ़ाई भी अच्छी है लेकिन दीन की पढ़ाई भी साथ साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या होता है दीन की पढ़ाई से दिमाग बहुत तेज़ रहता है, दिमाग शार्प भी रहता है, आप दीन की पढ़ाई के साथ दुनिया की पढ़ाई भी करते रहोगे आपका दिमाग बहुत तेज़ रहेगा, शार्प रहेगा। और छोटे बच्चों से मेरा ये कहना है कि ज़्यादा देर ना खेलें। बड़े होकर क्या बनोगे? मेरे सपने तो जो है हॉस्पिटल खोलना है और मैं डॉक्टर बनना सपना, इसलिए मैंने साइंस साइड लिया, मेरे मेन का वर्क जो है साइंस साइड लेना ही। मतलब डॉक्टरी में सर्जन बनोगे या किसी स्पेशलाइजेशन में जाओगे? स्किन की स्पेशलाइजेशन, आई स्पेशलाइजेशन, टीथ स्पेशलाइजेशन, हार्ट स्पेशलाइजेशन? देखिए आने वाले टाइम में जो इस तरह की एक मुसीबत है, मतलब जैसे आने वाली जनरेशन है पोल्यूशन इतना बढ़ गया, उससे हमारी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है, स्किन काली पड़ जाती है,
रैशेज हो जाते हैं, इचिंग हो जाती है, खुजली वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से मेरी स्किन पे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं स्किन स्पेशलिस्ट बनूँगा। कितने घंटे पढ़ते हो? मैं घर में फजर की नमाज के बाद आधा घंटा और रात को काकमा खाना खाने के बाद डेढ़ घंटा। और क्या क्या कोल्ड ड्रिंक पीते हो? जी कोल्ड ड्रिंक पीते हो? जी हाँ कोल्ड ड्रिंक कभी कभी दोस्त यार के साथ पार्टी वगैरह में। आपको नहीं लगता कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए? जहर है। हाँ हमारे अब्बू जान ने एक बार हमें बताया था कोल्ड ड्रिंक पीने से जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का जो कैल्शियम है वो नुकसान दे जाता है। दही खाते हो? हाँ जी दही गर्मियों में, लेकिन अभी फिलहाल मेरी तबीयत थोड़ी नासाद है तो दही नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मेरे अब्बू जान को दही ज़्यादा पसंद है तो लस्सी वगैरह दही वगैरह पीते हैं। जो रिफाइंड ऑयल आ रहे हैं इन्हें भी खाते हो जाते हैं? देखिए रिफाइंड ऑयल हमारे घर में सिर्फ सब्जी में इस्तेमाल होता है, बाकी और चीज़ों में रिफाइंड इस्तेमाल नहीं होता। सरसों का तेल क्यों नहीं होता? सरसों के तेल में जी सब्जी में जो है महक अलग सी आती है, रिफाइंड तेल में वो महक नहीं आती, सरसों के तेल में। सरसों के तेल में जो महक आती है ना उसकी वजह से वो सरसों का तेल थोड़ा खाने को मन नहीं करता, इसलिए खाते नहीं। तो रिफाइंड तेल ही हमारे तो रिफाइंड ज़्यादा पसंद है। रिफाइंड साइकिल ज़्यादा पसंद? साइकिल चलाते हो? साइकिल तो जब हमने कहा बाइक सीखनी शुरू की थी तब तो मैं साइकिल में छोड़ दी थी। 2016 में हमने साइकिल में मैं एक बार बैठा था, उसके बाद मैंने साइकिल चलाई नहीं। साइकिल चलाते हो? सुबह उठकर वॉक करते हो? टहलते हो? नहीं जी नहीं। क्यों नहीं टहलते? शाम में टहलते हो? जिम जाते हो? जिम तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टहलना और नमाज बहुत ज़रूरी है। जी चलिए आपने कीमती समय दिया जी। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।